जी, तो सबसे पहले मल्टीप्लेक्सिंग को देखते हैं। देखिए, मल्टीप्लेक्सिंग हमारे पास एक प्रोसेस होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम कंबाइन करते हैं मल्टीपल सिग्नल्स को, ठीक है, इनटू वन सिग्नल ओवर द शेयर्ड मीडियम। क्लियर? अब हमारे पास मल्टीपल सिग्नल्स होते हैं, उन सबको जब हम कंबाइन करके एक सिग्नल के ऊपर लेकर आते हैं, एक मीडियम के ऊपर लेकर आते हैं, तो वो मेरे पास मल्टीप्लेक्सिंग कहलाता है। अब ये बेटा ज़रा एग्जाम्पल देखें, मेरे पास 1 2 3 4 फोर पीसीज हैं, ठीक है। अब इन फोर पीसीज के अलग अलग सिग्नल्स हैं, PC1 का ये सिग्नल है, PC2 का ये सिग्नल है, PC3, PC4। अब ये हमने बोला कि ये कंबाइनिंग मल्टीपल सिग्नल्स, इसने यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग अप्लाई हुई हुई है, ठीक है। अब हमने इन चारों पीसीज के सिग्नल्स को जब कंबाइन किया, तो एक सिग्नल ये जो मेरे पास रेड कलर में है, इसके थ्रू हमने इसको ट्रांसफर कर दिया। जब ये सारे कंप्यूटर्स के सिग्नल्स को हम कंबाइन करके एक सिग्नल के थ्रू ट्रांसफर करेंगे, तो वो मेरे पास क्या कहलाएगा? मल्टीप्लेक्सिंग कहलाएगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये मल्टीप्लेक्सिंग अप्लाई नहीं हुई हुई, ठीक है। और ये देखें, यहाँ पर आपकी मल्टीप्लेक्सिंग अप्लाई हुई है, दूसरी साइड पे डी मल्टीप्लेक्सिंग हुई हुई है, और यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग हुई हुई है। तो हम इसको कह सकते हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मल्टीपल सिग्नल्स इनटू वन सिग्नल ओवर अ शेयर्ड मीडियम। क्लियर होगी बात? जब हम मल्टीपल सिग्नल्स को कंबाइन करके एक सिग्नल्स के थ्रू ट्रांसफर करेंगे, तो वो मेरे पास मल्टीप्लेक्सिंग कहलाएगा। अब देखें, ये जो लाइन है ना मेरे पास, जिसके थ्रू ये जा रहा है डाटा, बेसिकली इस लाइन को हम बोलते हैं लीज लाइन, ठीक है। लीज लाइन क्या होती है? एक मेन लाइन होती है जिसके थ्रू हमारा डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? लीज लाइन बोलेंगे। अब ये दूसरी साइड पे ये जो मेरे पास चीज़ है डी मल्टीप्लेक्स, जहाँ पे लिखा हुआ है, ये मेरे पास डी मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है। तो जब हमने मल्टीपल सिग्नल्स को कंबाइन करके इस लीज लाइन के थ्रू ट्रांसफर किया, तो ये मेरे पास डी मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है। यहाँ पे फिर सेम वही सिग्नल अपने अपने पीसेस के थ्रू आगे ट्रांसफर हो गए। ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है मल्टीप्लेक्सिंग का, जहाँ पे हम मल्टीपल सिग्नल्स को कंबाइन कर देते हैं। देखिए, अगर हम मल्टीपल सिग्नल्स अप्लाई नहीं करते, तो फिर ये हमारे पास देखें, PC1 अपना अलग सिग्नल भेजेगा, PC2 अलग भेजेगा, PC3 अलग भेजेगा, PC4 अलग भेजेगा, तो इतने सारे सिग्नल्स को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर है हम सारे सिग्नल्स को कंबाइन करके एक ही सिग्नल पर ट्रांसफर कर दें। जब हम एक ही सिग्नल पर ट्रांसफर कर देंगे, तो जो रिसीविंग साइड होगी, वहाँ पर फिर ये अलग अलग आपके सिग्नल्स अलग अलग पीसीज के अंदर चले जाएंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था मल्टीप्लेक्सिंग का। अब देखिए जरा, मेरे पास आगे आ जाती हैं चीज़ें, मल्टीप्लेक्सिंग की टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। मल्टीप्लेक्सिंग की टाइप्स कितनी होती हैं? देखिए, बेसिकली मल्टीप्लेक्सिंग की जो टाइप्स होती हैं, वो होती हैं हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है, और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है। बेसिकली तीन टाइप्स होती हैं मल्टीप्लेक्सिंग की, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। क्लियर हो गया? अब देखें जरा, जब हम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि हम मल्टीपल कैरियर फ्रीक्वेंसीज को अलाउ करते हैं कि इंडिपेंडेंट सिग्नल्स के थ्रू वो ट्रांसफर करें मीडियम में। अब ये देखें जरा, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जिसको हम FDM भी बोलते हैं, यूजिंग मल्टीपल कैरियर। अच्छा, कैरियर क्या होता है? ये जो कैरियर होता है, बेसिकली ये एक सिग्नल होता है कैरियर, ठीक है, जो डाटा को ट्रांसफर करने में हमारी मदद करता है। अब देखें जरा, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ से दूसरी साइड की तरफ एक लेटर भेजना है, मैंने एक लेटर लिखा, वो मैंने किसी दूसरे घर में भेजना है, या किसी दूसरे की तरफ भेजना है, या दूसरे रूम में भेजना है, तो क्या ऐसे लेटर हमारा ट्रांसफर हो जाएगा या नहीं होगा? मुझे सिर्फ इतना बताएं जी। हो जाएगा हमारा लेटर ऐसे सेंड? आप लोग सोए हुए? नो सर, जाग रहे हैं। वो मैंने एक पेज समझ नहीं आ गया मेरा कुछ। जी जी, मैंने एक पेज भेजना है यहाँ से दूसरे घर में या दूसरे रूम में, तो अगर मैं यहाँ से पेज फेंकता हूँ, ऐसे वो चला जाएगा पेज? नो सर। तो अगर मैं उसी पेज को एक पत्थर के साथ लपेट कर बांध कर फेंकता हूँ, तो फिर वो चला जाएगा? चला जाएगा ना। ये जो कैरियर है, बेसिकली ये आपके पास एक सिग्नल है, ठीक है। जो पेज है वो हमारे पास ओरिजिनल डाटा है, तो कैरियर एक, आप कह लें कि एक पत्थर है
जिसके थ्रू हम अपना डाटा भेजते हैं, ठीक है। तो कैरियर क्या होता है, एक सिग्नल होता है जो ओरिजिनेट करता है सेंडिंग साइड की तरफ, ठीक है, जो सेंडिंग साइड है जो भेजने वाली है उसकी तरफ ओरिजिनेट करेगा और वो आगे आपके डाटा को लेकर जाएगा, वर्चुअली ये काम कर रहा होता है। क्लियर हो गया? कैरियर बेशक आप लिख लें, कैरियर इज अ सिग्नल, कैरियर इज अ सिग्नल दैट ओरिजिनेट सेंडिंग साइड एंड इट इज वर्चुअल, ठीक है। बेसिकली ये क्या होता है कि सेंडिंग साइड की तरफ से ओरिजिनेट होता है और ये वर्चुअली काम कर रहा होता है। तो आपका जो सिग्नल होता है, अगर आपका सिग्नल उस साइड पे नहीं पहुंच पाता, इतनी उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है, तो आप कैरियर सिग्नल्स का इस्तेमाल करेंगे जो आपके डाटा को वहां तक पहुंचा देगा। बेसिकली कैरियर इस्तेमाल ओरिजिनेट, आगे क्या था सर, वो आगे लिखी नहीं, कैरियर इज अ सिग्नल दैट ओरिजिनेट सेंडिंग साइड, ठीक है, दैट ओरिजिनेट सेंडिंग साइड एंड इट इज अ वर्चुअल सिग्नल, इसको हम वर्चुअल सिग्नल बोलते हैं, ठीक है। अब देखें, अगर ये इसका इस्तेमाल कैरियर का कहाँ पे होता है, बेसिकली इसके इस्तेमाल लॉन्गर कम्युनिकेशन के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। लॉन्गर कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है कैरियर सिग्नल का, जो कि आपके टास्क को या आपके डाटा को ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पे एक बात लिखी है कि यूजिंग मल्टीपल कैरियर फ्रीक्वेंसीज टू अलाउ इंडिपेंडेंट सिग्नल टू ट्रांसफर थ्रू द मीडियम। तो हम मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज इस्तेमाल करते हैं ताकि हम जो सिग्नल होता है हमारा उसको हम ट्रेवल कर सकें मीडियम के थ्रू। देखें, अब ये मेरे पास देखें ये सिग्नल्स हैं, सोर्स वन, सोर्स टू, सोर्स थ्री, ये मल्टीपल सिग्नल्स हैं। यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लेक्स कर दिया, मल्टीप्लेक्सर लगाया। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है कि मल्टीपल सिग्नल्स को कम्बाइन करके एक सिग्नल में हम ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे मल्टीपल सिग्नल लगा और ये मेरे पास एक शेयर्ड चैनल है जिसके थ्रू ये जा रहा है, ठीक है। आप इस चीज को बेटा समझिएगा कि ये आपके पास, ये मेरे पास एक है शेयर्ड चैनल है, ये आपके पास डिवाइसेस हैं, इनके डिवाइसेस वन के ये सिग्नल है, टू का ये सिग्नल है, डिवाइस थ्री का ये सिग्नल है। इन सबको जब हमने कंबाइन कर दिया, मल्टीप्लेक्सिंग यहाँ पे अप्लाई की, तो एक सिग्नल बन गया। वो अब एक सिग्नल इस शेयर्ड मीडियम के थ्रू जा रहा है। यहाँ पे हमने डी मल्टीप्लेक्सिंग अप्लाई की हुई है, ठीक है। अब ये डी मल्टीप्लेक्सिंग यहाँ पे लगी हुई है। तो डी मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या होता है, डी मल्टीप्लेक्सिंग को समझ लें क्या होता है कि जो मल्टीप्लेक्सिंग होती है वहाँ पे हम कंबाइन करते हैं मल्टीपल सिग्नल्स को, और डी मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, हम वहाँ पे सेपरेट कर देते हैं लाइंस को, ठीक है। वी नीड टू सेपरेट लाइंस इन ईच कंप्यूटर, नो कम्युनिकेशन विद अदर कंप्यूटर्स। यहाँ पे हम मल्टीपल सिग्नल्स को सेपरेट कर देंगे। यहाँ पे सिग्नल्स कंबाइन हो रहे हैं बेटा, और वही सिग्नल्स यहाँ पर अलग हो रहे हैं। क्यों अलग हो रहे हैं, कोई मुझे बताएगा? सर क्योंकि डीमक्स लगाया, डी मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है, तो उसे मतलब पहले तो सिग्नल इकट्ठे आ रहे थे, फिर उसकी वजह से अलग होगा, ठीक है। वेरी गुड। देखें, ये मेरे पास सेंडिंग साइड है, ठीक है, ये सेंडिंग साइड है, यहाँ पे डाटा हमारा सेंड हो रहा है, और ये है सोर्स। अच्छा, सोर्स वो चीज होती है, वो जगह होती है जहां से डाटा ओरिजिनेट होता है, ठीक है। सोर्स और सेंडिंग अलग है, ये बात याद रखिएगा। सोर्स वो चीज़ होती है जहाँ से डाटा ओरिजिनेट हो रहा होता है, और सेंडिंग वो होता है जहाँ से सेंड हो रहा होता है। सेंडिंग सोर्स नहीं हो सकती, या हो भी सकती है, लेकिन सोर्स सेंडिंग लाजमी होती है। क्लियर? इसी तरह ये मेरे पास ये डेस्टिनेशन है, ठीक है। डेस्टिनेशन रिसीवर हो सकती है, लेकिन हर रिसीवर डेस्टिनेशन नहीं होती। ये पॉइंट क्लियर कर लीजिएगा। हर सोर्स सेंडिंग होती है, लेकिन हर सेंडर सोर्स नहीं होता। इसी तरह हर डेस्टिनेशन रिसीवर हो सकती है, लेकिन हर रिसीवर डेस्टिनेशन नहीं होता। अब इसको अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो देखिए मेरे पास ये पांच डिवाइसेस है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब ये मेरे पास आ गई सोर्स, इसने यहाँ पे डाटा सेंड किया, इसने रिसीव किया, क्या ये डेस्टिनेशन है? नहीं, इसने आगे सेंड कर दिया, मतलब ये सेंडर भी है, रिसीवर भी है, लेकिन सोर्स नहीं है। इसने रिसीव किया, इसने रिसीव कर लिया, ये रिसीवर भी हो गया, इसने आगे सेंड कर दिया, ये सेंडर भी हो गया, लेकिन ये सोर्स और डेस्टिनेशन नहीं है। सेम इसी तरह इसे रिसीव किया और आगे सेंड कर दिया, ये सोर्स और डेस्टिनेशन नहीं है, लेकिन सेंडर और रिसीवर है।
अब इसने रिसीव कर लिया क्योंकि आगे जाना नहीं है, ये आपके पास रिसीवर भी है और डेस्टिनेशन भी है, क्लियर? तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन क्या आती है बेटा कि मल्टीपल कैरियर फ्रीक्वेंसीज को हम अलाउ करते हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट सिग्नल के थ्रू आपका डाटा एक मीडियम के थ्रू ट्रांसफर करे। कैरियर क्या होता है? जो बेसिकली आपके सिग्नल्स को ओरिजिनेट करता है और इसका इस्तेमाल आपका लॉन्गर डिस्टेंस के लिए किया जाता है, जहाँ पे हमने लॉन्गर सिग्नल्स को ट्रेवल करवाना होता है और सिग्नल्स के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि इतना दूर वो डाटा सेंड कर सके। अगर हम कैरियर के इस्तेमाल नहीं करते तो सिग्नल आपका ब्रेक हो जाएगा और ट्रांसफर नहीं होगा, तो फिर हम कैरियर सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी पत्थर वाली, कि हम पेज के पेपर के साथ पत्थर बांध के फेंकेंगे तो जाएगा, सिंपल अगर हम पत्थर फेंकते हैं तो सिंपल अगर हम पेज फेंकते हैं तो वो नहीं जाएगा। तो जो आपके पास पत्थर होता है बेसिकली वो आपके एक एग्जाम्पल के तौर पर कैरियर सिग्नल है जो आपका डाटा लेकर दूसरी जगह पर जा रहा है। क्लियर हो गई फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग? Yes, sir. मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है? मल्टीपल सिग्नल्स को कंबाइन करके एक शेयर्ड सिग्नल्स के थ्रू हम डाटा ट्रांसफर करते हैं। डी मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है कि उन मल्टीपल सिग्नल्स को हम सेपरेट लाइंस में ट्रांसफर कर देते हैं। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था बेटा कि यहाँ पर हमने मल्टीपल सिग्नल्स को कंबाइन किया, मल्टीप्लेक्सिंग अप्लाई की और ये शेयर्ड मीडियम है, यहाँ से वो सिग्नल जा रहा है। अब यहाँ पे वो सेपरेट हो गए क्योंकि यहाँ पे डी मल्टीप्लेक्सिंग अप्लाई हुई है। सेपरेट क्यों किया गया है? मेरा क्वेश्चन ये सर, सेपरेट किया गया कि वो अपने अपने जहां उनकी डेस्टिनेशन है वहां पे। देखिए सोर्स वन है, इसने भेजना था रिसीवर वन को डाटा। यहां पे एक पीसी आपका पड़ा हुआ है जिसका नाम वन है और यहां पे एक पीसी पड़ा हुआ है जिसका नाम वन है। यहां पे पीसी है जिसका नाम टू है और यहां पे पीसी जिसका नाम थ्री है। सेम इसी तरह ये पीसी है टू और ये पीसी है थ्री। अब देखिए जरा, किसी वन ने डाटा भेजना है वन को, टू ने भेजना है टू को, थ्री ने भेजना है थ्री को। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे मल्टी इन तीनों के सिग्नल्स उससे कंबाइन किए, मल्टीप्लेक्सर अप्लाई हुआ और ये एक सिंगल मीडियम के थ्रू चला गया। यहाँ पे उस डी मल्टीप्लेक्सिंग अप्लाई हुआ, वो ही सेपरेट सिग्नल्स। अब किसी वन को जो सिग्नल था वो वन को जाएगा, टू का सिग्नल है वो टू को जाएगा, थ्री का सिग्नल है वो थ्री को जाएगा। क्लियर माई पॉइंट? लेकिन इन सबको जब हम कंबाइन कर देंगे तो हर सिग्नल का अपना अपना एक एड्रेस होगा, ठीक है, कंबाइन हो जाएगा। यहाँ पे एक फिल्ट्रेशन लगा हुआ होगा, ठीक है, रिसीविंग साइड पे। ये हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे कि फिल्ट्रेशन का काम क्या होता है। यहाँ पे एक फिल्ट्रेशन होगा, वो फिल्ट्रेशन क्या काम करेगा, जो जो सिग्नल जिस रिसोर्स के थ्रू आया है उसको सेपरेट करके वहां पर भेज देगा। क्लियर? यस सर। चले हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। जी जी, अब ये जरा स्लाइड देखते हैं हम, देखें जरा इसको, जरा समझिएगा। देखें, अच्छा मल्टीप्लेक्सिंग फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हमने सेंडिंग साइड देखी थी। देखें अब बेटा, मैंने सिग्नल्स की बात की थी कि मल्टीपल सिग्नल्स ट्रांसफर हो रहे होते हैं जो कि आगे ट्रांसफर कर रहे होते हैं डाटा को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जरा, ये सोर्स वन है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, सोर्स वन, ये आपके पास सोर्स वन है, ये सोर्स वन है, ये सोर्स टू है, ये सोर्स थ्री है, ठीक है। ये इसको हमने बेस बैंड एनालॉग सिग्नल बोल दिया, ये आपका फ्रीक्वेंसी वन कैरियर, फ्रीक्वेंसी टू कैरियर, फ्रीक्वेंसी थ्री कैरियर। अब ये आपके सिग्नल्स हो गए तीन, ठीक है। अब ये तीनों सिग्नल्स हैं बेटा, इसने भेजने हैं, डेस्टिनेशन वन को भेजना है, डेस्टिनेशन टू को भेजना है, डेस्टिनेशन थ्री को भेजना है। अब बेटा इस चीज़ को ज़रा समझिएगा, मैं थ्योरी की तरफ इतना नहीं जा रहा, इसलिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ ताकि आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकें अगर आपको इसकी समझ आ गई। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर जरा देखें, सिग्नल वन का स्ट्रक्चर ये देख रहे हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है। सिग्नल टू का स्ट्रक्चर क्या है, ये सिग्नल थ्री का आपका स्ट्रक्चर आ गया। अब यहाँ पे सिग्नल वन ये आया, मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर टू, मॉड्यूलेटर थ्री, ये तीनों सिग्नल आ गए। अब मॉड्यूलेटर क्या होता है,
थोड़ा सा मैं आपको मॉड्यूलेटर के बारे में बता देता हूँ। बेसिकली मॉड्यूलेटर क्या होता है, मॉड्यूलेटर एक हार्डवेयर सर्किट होता है जो एक्सेप्ट करता है सीक्वेंस ऑफ डाटा बिट्स एंड अप्लाई मॉड्यूलेशन टू कैरियर वेव अकॉर्डिंग टू द बिट्स। नहीं आपको समझ आई होगी। अच्छा मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटर से पहले हम चलते हैं मॉड्यूलेशन की तरफ। मॉड्यूलेशन क्या होती है, मॉड्यूलेशन बेसिकली क्या होता है, जो डाटा को सेंड करता है ठीक है, आर ट्रांसमिटर स्लाइटली मॉडिफाइड्स द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग कैरियर। ये आपके डाटा को सेंड करता है ठीक है, आपके डाटा को कैसे सेंड करता है, मतलब कि जो आपका डाटा होगा उसको ट्रांसमिट कर देगा, मॉडिफाई करके ट्रांसमिट कर देगा ओरिजिनल इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग कैरियर। जो आपकी कैरियर के थ्रू आपका जो डाटा होगा उसको जो सेंड किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन बोलते हैं ठीक है। अब मॉड्यूलेटर क्या होता है, मॉड्यूलेटर ये चीज़ होती है कि जो बेसिकली मॉड्यूलेटर आपका एक हार्डवेयर सर्किट होता है जो एक्सेप्ट करता है सीक्वेंस ऑफ डाटा। सीक्वेंस ऑफ डाटा ये देखें, ये यहाँ पे मॉड्यूलेटर लगा हुआ है, ये जिस सीक्वेंस में डाटा आपका आ रहा है ना उस सीक्वेंस में ये एक यहाँ पे हार्डवेयर सर्किट है ठीक है। हार्डवेयर सर्किट मैंने बोला, मॉड्यूलेटर क्या होता है, हार्डवेयर सर्किट। अब मॉड्यूलेटर का काम क्या है कि इट इज़ अ हार्डवेयर सर्किट दैट एक्सेप्ट सीक्वेंस ऑफ डाटा। अब जिस सीक्वेंस से ये डाटा आ रहा है, सिग्नल आ रहा है, उसको इसने एक्सेप्ट किया ठीक है एंड अप्लाइज मॉड्यूलेशन। अब इसके ऊपर मॉड्यूलेशन अप्लाई कर दी। मॉड्यूलेशन को मैंने क्या बोला था कि जो डाटा को ट्रांसमिट करता है मॉडिफाई करता है बाय यूजिंग कैरियर ठीक है। अब बेटा इस चीज़ को ज़रा समझिएगा, अपना दिमाग खोल के समझिएगा कि ये काम क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, एक मॉड्यूलेटर और एक मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या होती है, बेसिकली जो ट्रांसमिट करती है डाटा को ठीक है एंड मॉडिफाइज द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग कैरियर। कैरियर क्या होता है, जो ओरिजिनेट करता है सिग्नल को, ट्रांसफर करता है सिग्नल को। मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेशन एक डाटा को सेंड करता है, एक ट्रांसमीटर होता है और वो मॉडिफाइज करता है ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को कैरियर के थ्रू। अब मॉड्यूलेटर क्या है, ये आपके पास एक हार्डवेयर सर्किट है जिसने सीक्वेंस ऑफ डाटा को लिया और आगे मॉड्यूलेशन अप्लाई कर दी। क्लियर माय पॉइंट, पॉइंट क्लियर। मॉड्यूलेशन वैसे तो, यस सर, मतलब मॉड्यूलेशन तो वैसे तो डाटा को सर वो जो पैकेट्स में डिवाइड करना होता है उसे भी कहते हैं। सीक्वेंस ऑफ डाटा बेटा वही होता है ना, सीक्वेंस के फॉर्म में, पैकेट्स के फॉर्म में जो डाटा आ रहा होता है, यही बात तो मैं समझा रहा हूं आपको ठीक है। अब देखें, यस सर, यहां पे मॉड्यूलेशन अप्लाई हुई, मॉड्यूलेटर था यहां पे, अब इसने रिसीव किया डाटा ठीक है मॉड्यूलेशन के थ्रू, मॉड्यूलेटर ने रिसीव किया सीक्वेंस फॉर्म में और कैरियर सिग्नल इसके ऊपर अप्लाई हुआ। ये देख रहे हैं कैरियर सिग्नल वन अप्लाई हुआ और यहाँ पे आपका डाटा सेंड हो गया। अब इस डाटा की शेप बेटा ये थी, ये शेप थी जब मॉड्यूलेशन अप्लाई हुई थी, इसकी शेप कैसे हो गई, ये क्लियर, सिग्नल की शेप ऐसे हो गई। अब सेम ये दूसरा था, इसके ऊपर कैरियर अप्लाई किया और इसकी शेप क्या बन गई, ऐसे बन गई। सेम तीसरा ये सिग्नल था, इसके ऊपर हमने अप्लाई किया तो इसकी शेप ऐसे बन गई। अब यहाँ पे आपका हो रहा है मल्टीप्लेक्सर, अब उसने इन तीनों सिग्नल्स को कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद अब जो ओरिजिनल सिग्नल्स की शेप बनी वो ये बन गई, अब ये सेंड हो गया। अब इसके बीच में कैरियर वन भी है, कैरियर टू भी है, कैरियर थ्री भी है ठीक है। कैरियर क्यों हमने यूज किया, कैरियर सिग्नल जो सा होता है लॉन्ग कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डाटा को जो ट्रांसफर करता है, ओरिजिनेट करता है डाटा को बेसिकली। ये डायग्राम मेरा बच्चा क्लियर होगी सबको, हो गई, वेरी गुड। चले अब हम, ये तो हमारी थी सेंडिंग साइड, अब हम चलते हैं बेटा रिसीविंग साइड की तरफ, ये रिसीव कैसे हो रहा है। अब ये देखिए जरा, अच्छा ये मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ ताकि आपके इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ठीक है। अब देखिए मेरा बच्चा यहाँ पे, वो तो हमारी थी सेंडिंग साइड, अब ये आ गई रिसीविंग साइड। जब वहां से डाटा सेंड हुआ, ये आपका ओरिजिनल सिग्नल था, यहाँ पे हमने अप्लाई किया डी मॉड्यूलेटर के पास, यहाँ पर आ गया फिल्टर। फिल्टर का काम क्या है कि फिल्टर ने जो सिग्नल है एक्चुअल उसको ले लिया ठीक है, जो एक्चुअल डाटा था उसको ले लिया और कैरियर सिग्नल को अलग कर दिया
क्योंकि हमें एक्चुअल डाटा चाहिए ना, हमें कैरियर तो नहीं चाहिए। कैरियर तो बेसिकली कि हमारे पास क्या, जो डाटा को लॉन्ग कम्युनिकेशन के लिए हेल्प कर रहा होता है, जो डाटा को दूर तक लेकर जाता है, यही हमने पढ़ा था ना। तो यहाँ पर हमने फिल्ट्रेशन अप्लाई कर दी, यहाँ पे डीमॉड्यूलेशन हो गई, सेपरेट कर दी लाइंस, फिल्टर लगा दिया, जो एक्चुअल सिग्नल था उसको इस तरह हमने करके अप्लाई कर दिया। अब इसी तरह डीमॉड्यूलेशन यहाँ पर भी अप्लाई हुई, ठीक है, फिल्ट्रेशन हुई, एक्चुअल सिग्नल आ रहा था इसको हमने अलग कर दिया, डीमॉड्यूलेशन यहाँ पे भी अप्लाई हुई, एक्चुअल सिग्नल था इसको हमने अलग कर दिया, और इसी तरह ये आपके सिग्नल आगे ट्रांसफर होंगे। क्लियर? यस सर। चलो आगे मेरे पास आ जाता है जी वेवलेंथ। वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये अब उसकी आगे सेकंड टाइप। हमने मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ लिया, हमने मल्टीप्लेक्सर पढ़ लिया, हमने मॉड्यूलेटर पढ़ लिया, हमने कैरियर सिग्नल पढ़ लिया, हमने फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ लिया। अब सेकंड टाइप मेरे पास बेटा आती है वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली FDM फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कॉन्सेप्ट अप्लाइड ऑन द ऑप्टिकल ट्रांसमिशन सिस्टम ऑप्टिकल फाइबर इज नोन एज वेवलेंथ डिवीजन। बेटा सेम जो कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़ा था फ्रीक्वेंसी डिवीजन का, वो हम अप्लाई करेंगे ऑप्टिकल ट्रांसमिशन के ऊपर। ऑप्टिकल बेसिकली आपके पास वायर होती है, जब हमने पढ़ा था मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ा था शायद, या हमने पढ़ा था फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम पर जब हमने पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कोएक्सियल केबल पढ़ा था, फाइबर ऑप्टिक्स पढ़ा था, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर हमने जो पढ़ा था। तो बेटा क्या कर रहे हैं कि FDM जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन हमारे पास है, उसी कॉन्सेप्ट को जब हम ऑप्टिकल ट्रांसमिशन सिस्टम के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो मेरे पास क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। क्लियर माय पॉइंट? यस कि नहीं क्लियर सर? ये वाला सर ये मुझे तो नहीं हुआ ये जो अब आपने बताया, दोबारा समझे। देखिए हमने फ्रीक्वेंसी डिवीजन पढ़ा था अभी, उसमें हमने मल्टीपल सिग्नल से हमने मॉड्यूलेटर अप्लाई किया, फिर वो कैरियर सिग्नल मॉड्यूलेटर को लेकर जाता है सेंडिंग रिसीविंग साइड की तरफ, रिसीविंग साइड के ऊपर डी मल्टीप्लेक्सिंग अप्लाई किया, फिर फिल्ट्रेशन लगाई, और दो जो सिग्नल से जिस जिस पीसी को डाटा था वहाँ पे ट्रांसफर हो गया। ऐसे ही पढ़ा हमने। अब वही कॉन्सेप्ट है बेटा, सेम वही चीज़ें हैं, लेकिन हमने अप्लाई उसको पहले हमने सिग्नल्स के ऊपर किया था, फ्रीक्वेंसीज के ऊपर किया था, और यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं ऑप्टिकल ट्रांसमिशन के ऊपर, ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर, फाइबर ऑप्टिकल के ऊपर हम ये चीज़ अप्लाई कर रहे हैं बस। आप समझ आ गई बात की? जी ठीक है। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, वेव लेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग आ गया मेरे पास जी। अब हमारे पास थर्ड टाइप आती है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है इसकी टाइप। टाइम डिवीजन होता क्या है बेसिकली, अब जरा इस चीज को समझ लेते हैं। देखिए जरा टाइम डिवीजन क्या होता है, सोर्सेज शेयर मीडियम टेक टर्न्स टू द सेंड डाटा। अब हमने ना टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर क्या कर दिया, हमारे पास मल्टीपल सिस्टम्स हैं, हमने हर सिस्टम का एक टाइम रख दिया कि तूने तेरा टाइम ये है, इस टाइम में तूने डाटा सेंड करना है, जब तेरा टाइम ख़त्म होगा तो फिर अगले का टाइम आ जाएगा, जब अगले का टाइम ख़त्म होगा तो उससे अगले का आ जाएगा, जब उससे अगले का ख़त्म होगा तो उसके अगले आ जाएगा। मतलब हमने सोर्सेज को शेयर कर दिया इन द फॉर्म ऑफ टाइम, मतलब जो हमारे पास टाइम होगा उसके हिसाब से हमने अपने सोर्सेज को शेयर कर दिया। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग बोलेंगे। मतलब ये है कहने का कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 5 सोर्सेज हैं, ठीक है, कितने सोर्सेज हैं 5, तो हमने टाइम हमारे पास है 10 मिनट्स हैं और 5 सोर्सेज हैं जो हमने शेयर करने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि हम हर सोर्स को 2-2 मिनट दे देंगे, कि सोर्स 1 के 2 मिनट होंगे, सोर्स 2 के 2 मिनट होंगे, सोर्स 3 के 2 मिनट होंगे, सोर्स 4 और 5 के 2 मिनट होंगे। इन 2 मिनट के अंदर अंदर सोर्स 1 ने डाटा सेंड करना होगा, अगर वो 2 मिनट के अंदर सोर्स 1 डाटा सेंड नहीं करता तो उसका टाइम ख़त्म हो जाएगा, फिर वो आगे चला जाएगा सोर्स 2 के ऊपर, फिर इसी तरह उसे अपने टाइम गिवन टाइम के अंदर जो डाटा सेंड करना होगा। क्लियर हुई बात? यस सर। मतलब कि जो आपके पास सोर्सेज होंगे उन्हीं सोर्सेज को आपने सेंड करना है टाइम की फॉर्म में, मतलब जो आपको टाइम दिया जाएगा।
अगर उस टाइम में आप डाटा सेंड नहीं करते तो वो आपका डाटा सेंड नहीं होगा। अब टाइम डिवीजन की मेरे पास दो टाइप्स आ जाती है, एक आता है सिंक्रोनस टाइम डिवीजन और दूसरा आता है स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की तीन टाइप्स हैं, फ्रीक्वेंसी डिवीजन, वेवलेंथ डिवीजन, टाइम डिवीजन। अब टाइम डिवीजन के आगे दो आ गई, कौन कौन सी? सिंक्रोनस टाइम डिवीजन और स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन। अब सिंक्रोनस टाइम डिवीजन के अंदर बेटा क्या होता है कि इसके अंदर गिव्स ईच सोर्स एन अपॉर्चुनिटी टू सेंड डाटा, हर सोर्स को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपना डाटा सेंड कर सके। ठीक है, हर सोर्स को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि उसने अपना डाटा सेंड करना है। अगर मिसाल के तौर पर बेटा कि एक सोर्स है उसके पास डाटा है ही नहीं, ठीक है, मेरे पास फाइव सोर्सेज हैं, बात को समझिएगा, मेरे पास फाइव सोर्सेज हैं और सोर्स नंबर जो टू है उसके पास सेंड करने के लिए कोई डाटा नहीं है, तो क्या होगा? सोर्स वन ने डाटा सेंड किया दो मिनट के अंदर, अब सोर्स टू के पास डाटा आया लेकिन उसका टाइम चल रहा है लेकिन उसके पास डाटा सेंड करने को नहीं है, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी दी गई है, क्लियर? Yes. लेकिन वो अपना डाटा सेंड नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके पास डाटा सेंड करने को है ही नहीं। इसी तरह सोर्स थ्री, सोर्स फोर, सोर्स फाइव उसको सेंड कर दिया जाएगा, इसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस टाइम डिवीजन। आगे आ जाता है स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन। स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन डज नॉट गिव चांस टू द सोर्स दैट डज नॉट हैव डाटा टू सेंड, ये किसी को सोर्स को चांस नहीं देता जिसके पास डाटा नहीं होता। अब बात को समझिएगा, ये चांस देता है हर सोर्स को सेंड करने का, चाहे जिसके पास डाटा है या नहीं है, लेकिन ये उसको सिर्फ चांस देता है जिसके पास डाटा है। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, इन दोनों में से बेहतर कौन सी डिवीजन है, सिंक्रोनस टाइम डिवीजन है या स्टैटिस्टिकल? स्टैटिक, स्टैटिकल होगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा। जी मुझे वन बाय वन बताएं। जी अदीबा, सेकंड वाली है जी। ठीक है, शीरिन जारा सर, स्टैटिक होगी। जी अदीला सर, स्टैटिक होगी। जी सोबिया सर, सोबिया जी सर, सेकंड वाली। जी तैमीन अता, देखिए आप लोगों की जवाब से मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ आ गई है, शुक्र है। बिल्कुल ऐसी है कि स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन जो उनसा होगा क्योंकि इसमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमारा क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, ये हर सोर्स को टाइम दे रहा है कि तूने सेंड करना है, चाहे उसके पास सेंड करने को कोई चीज है या नहीं है, लेकिन ये चाहता है कि सिर्फ वो बंदा डाटा सेंड करे जिसके पास भेजने को कोई चीज है, क्लियर। अब बेटा हम जरा चलते हैं डायग्राम की तरफ, अब हम इस डायग्राम से समझते हैं। देखिए जरा ये टाइम डिवीजन है, अब बेटा देखिए जरा ये वन है, जल्दी जल्दी समझते हैं, टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास, ये वन है, टाइम डिवीजन की मैं बात कर रहा हूँ, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है। अब बेटा ये जो वन है ना, ये वन इसने डाटा सेंड कर दिया, ये टू का रेड था डाटा, इसका ये आ गया, थ्री का डाटा ये था, फोर का डाटा ये था। अब उसी फॉर्म में डी मल्टीप्लेक्सिंग अप्लाई हुई, वन का वन के पास गया, टू का टू के पास गया, थ्री का थ्री के पास गया और फोर का फोर के पास गया। ये तो सिंपल आपके पास थी मल्टीप्लेक्सिंग, सॉरी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब हम चलते हैं जरा इसकी तरफ, ये देखिए जरा, ये मेरे पास आ गई बेटा सिंक्रोनस टाइम डिवीजन। इसको जल्दी से जरा समझे, इसके अंदर क्या था, मैंने आपको क्या बोला था कि ये हर सोर्सेज को, ये मेरे पास बेटा फाइव सोर्सेज हैं, डायग्राम समझिएगा, वन वन टू थ्री फोर फाइव, ये ठीक है, ये मेरे पास फाइव सोर्सेज हैं। अब इसने हर सोर्स को टाइम दिया कि वो डाटा सेंड करे, नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है, फाइव, नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं, फाइव, नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हैं, फाइव। तो अब देखिए जरा, ये फ्रेम एन है, अब इस फ्रेम ने डाटा सेंड किया, ये उसका फ्रेम है, ये फ्रेम टू ने डाटा सेंड किया, ये इसका फ्रेम है, ये फ्रेम थ्री ने डाटा सेंड किया और ये एंड फ्रेम आ गया। मतलब इसने हर सोर्स को इक्वली टाइम दिया कि वो अपना डाटा सेंड कर सके। ये हर सोर्स का एक फ्रेम बना हुआ है, ये इसके पास इसका डाटा है, ठीक है, ये डाटा बना हुआ है आपका। जी अब बेटा ये जरा देखते हैं,
टाइम डिवीजन ही देखते हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर अप्लाई हो रहा है, देखिए मल्टीप्लेक्सर क्या हो रहा है, ये सोर्स वन का ए ए है डाटा, सोर्स टू का बी बी है, सोर्स थ्री का सी सी है, सोर्स थ्री का डी डी है, सोर्स फोर का। अब इसने डाटा भेजा ए ने, ठीक है, अब आगे डाटा ये इसका आया, ये बी का डाटा आ गया यहाँ पर, ठीक है, फिर डी का डाटा आया, फिर सी का डाटा आया, फिर डी का डाटा आया। तो इस तरह देखिए जरा, ये हर सोर्स से अपना अपना डाटा भेजा, ए का ये आया, ठीक है, फिर आगे उसके बाद डी ने डाटा भेजा ये आया, फिर उसके बाद सी ने डाटा भेजा ये आया, फिर डी ने डाटा भेजा ये आया। मतलब हर को अपना अपना टाइम दिया गया था, उस टाइम के अंदर उसने अपना डाटा भेज दिया। और ये मेरे पास डी मल्टीप्लेक्सिंग साइड पे सेम उसी तरह डाटा जो है आपका सेपरेट लाइंस के अंदर जा रहा है। क्लियर होगी बात कि नहीं हुई क्लियर? सर ये इसकी सर वो जो तस्वीर है उसमें ये समझ नहीं आ रहा, पहले ए ने भेजा फिर डी ने क्यों भेजा, पहले हम लोग जो बड़ी जॉब्स हैं उनको सर वो प्रोसेस करवाएं। देखिए मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने, अब यहाँ पे ना डाटा खाली है, ठीक है, ये खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि हमने टाइम डिवीजन की बात की थी, हमने कहा था जो हमारे पास सिंक्रोनस टाइम डिवीजन है ना बेटा, उससे हर चीज को हर चीज को एक टाइम देना होता है कि वो अपना डाटा सेंड करे, अपॉर्चुनिटी देनी होती है। अब इसके पास जो यहाँ पे बेटा ये देखे ए बी बी है, बी के पास सेंड करने को कोई चीज नहीं थी। मैं आपको ये डायग्राम दोबारा समझाता हूँ, ये देखे ए के पास कितना डाटा है, एक दो तीन चार पाँच छ ए है, ठीक है, अब मेरी बात सुन लीजिएगा। अब यहाँ पे एक ए आया, ठीक हो गया, एक ए आ गया क्योंकि यहाँ पे सिक्स ए था ना, ये देखे सिक्स ए था, यहाँ पे थ्री बी है, यहाँ पे फोर सी है, और यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव डी है। अब इसने डाटा भेज दिया, लेकिन जो बाकी थे बाकियों का डाटा, उनको टाइम मिला लेकिन उनके पास डाटा भेजने को नहीं था, इस वजह से ये क्या हो गया, एम्प्टी हो गए। क्लियर है? ओ सर समझ आया, यस सर, एम्प्टी हुए ना। देखिए अब ये एम्प्टी हुआ, एम्प्टी से क्या हुआ, ये एम्प्टी स्पेसेस है, एम्प्टी स्पेसेस से क्या हो रहा है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, जबकि स्टैटिस्टिकल के अंदर टाइम वेस्ट हमारा नहीं होता, जिससे भेजना होता है वो हो जाता है। अब दूसरी तरफ आ जाए, अब ये एक फ्रेम ये हो गया, अब दूसरा फ्रेम देखे सिक्स ए आ गया, डी हमारे पास फाइव है, यहाँ से एक डी आ गया, लेकिन ये दोनों थ्री और फोर है, इन दोनों ने डाटा नहीं था, इनके पास भेजने को इन्होंने डाटा नहीं भेजा, तो ये दो ब्लॉक आपके एम्प्टी हो गए। क्लियर माय पॉइंट? यस सर। सेम इसी तरह बेटा, अब सी था, बी नहीं था हमारे पास क्योंकि तीन थे, इसी तरह लास्ट पे हमारे पास ये सारा फ्रेम बनता है, तो हमने इसको भेज दिया। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि इसके पास जो उनसे है कि एम्प्टी स्पेसेस आ जाती हैं और टाइम हमारा वेस्ट होता है। बट इफ यू टॉकिंग अबाउट स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन, इसके अंदर वेस्टेज ऑफ जो स्पेसेस होती हैं वो नहीं होती। अगर मैं अब तीनों का कंपैरिजन करूं बेटा, फ्रीक्वेंसी डिवीजन, टाइम डिवीजन, स्टैटिस्टिकल डिवीजन, तो सबसे पहले